हम ये बहस शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि बताना तो पड़ेगा शो के अगले एक घंटे के दौरान तीन राउंड में क्या क्या होगा। पहला राउंड होगा सफाई एट द रेट ऑफ 60 सेकंड, यानी सभी मेहमानों को मिलेंगे 60-60 सेकंड अपनी बात रखने के लिए। इसके बाद बड़े सवाल का राउंड होगा जिस हिस्से में हम आज के मुद्दे पर बहस करेंगे। तीसरे और आखिरी राउंड में आमने सामने होंगे मेहमान, पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्कों के साथ। अदालत की चौखट से बाहर अयोध्या में राम मंदिर का फॉर्मूला ढूंढ रहे श्री श्री रविशंकर ने दावा किया है कि अब वो अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के मुताबिक श्री श्री हवा में निशाना साध रहे हैं और वो आरएसएस के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन अयोध्या का मसला सुलझे इससे पहले यूपी शिया वक्फ बोर्ड ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि बाबरी मस्जिद की तरह ऐसी 9 जगहें हैं जहां मुगल शासकों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी और मुसलमानों को अब वो जगह भी हिंदुओं के हाथों सौंप देनी चाहिए। हमारे आज के इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान जो बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि राम मंदिर का फैसला कोर्ट से होगा या सपोर्ट से होगा, मुहिम रंग लाएगी क्या, 2019 में नींव बन जाएगी राम मंदिर की, अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता आखिर कौन रोक रहा है। इन सवालों के साथ हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट इस पूरे मुद्दे पर। दशकों से देश की सियासत और सत्ता की चूल हिला रहे अयोध्या विवाद का समाधान अब दूर की कौड़ी नहीं है, ये दावा किया है श्री श्री रविशंकर ने, जो इस मसले को अदालत की चौखट के बाहर सुलझाने की मुहिम में जी जान से जुटे हैं। मंदिर निर्माण की मुहिम का हिस्सा होने के चलते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कूचे से बेआबरू होकर निकल गए मौलाना सलमान हुसैन नदवी से लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद श्री श्री की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। सफलता की ओर चल रहे हैं हम, बहुत अच्छा रिस्पांस सब तरह से मिल रहा है, तो आगे और प्रोग्राम करेंगे। देश में दोनों समुदाय के बीच एक सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे और भव्य रूप से राम का मंदिर का राम मंदिर निर्माण हो, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लॉट ऑफ गुडविल एंड लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। श्री श्री को सारा मंजर हरा हरा लग रहा है, लेकिन खुद को मुसलमानों का इकलौता नुमाइंदा होने का दावा करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने सवाल दागा है कि जब विवाद से जुड़े किसी भी पक्षकार ने अदालत से अर्जी वापस नहीं ली तो फिर ये किससे बात कर रहे हैं। दूसरे धर्म गुरुओं ने भी जिलानी के सुर में ताल मिलाया तो बेताब सियासतदान भी जुबानी जंग का हिस्सा हो चले। ये लोग बिलाव जी अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और जाया नहीं कर रहे हैं, ये तो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि मुसलमान घबरा जाए, डर जाए, ये इसलिए है खाली। आज अगर मैं कोई बात कह दूंगा 10 लोग मान लेंगे, 90 नहीं मानेंगे। ऐसे श्री श्री जी हैं, उनको तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग नहीं मानते। श्री श्री जी जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं ये पर्सनली उनका अपना मामला हो सकता है, लेकिन हमें अगर पहले से ये बात हम कहें कि कोर्ट का फैसला जिसके खिलाफ आएगा वो मानेगा नहीं, ये बात कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। यदि शिया वक्फ बोर्ड इन 3 स्थानों की मुक्ति के लिए मुस्लिम समाज को जागृत करता है तो भारत के इतिहास के लिए और भारत के भविष्य के लिए ये एक निर्णायक अवसर होगा। एक मंदिर का विवाद सुलझता इससे पहले ही 9 और मस्जिदों की लिस्ट नमूदार हो गई। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने यह कहकर धमाका कर दिया कि बाबरी मस्जिद की तरह ही देश में 9 और मस्जिदें मौजूद हैं जिनका निर्माण मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर तोड़कर किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखी अपनी चिट्ठी में रिजवी ने मांग की है कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा के केशव मंदिर तक वो सारी जगहें हिंदुओं को लौटा दी जाए जिन्हें सत्ता की ताकत से हड़प लिया गया था। रिजवी के इस बयान से बवाल मच गया है। ये तमाम 9 मस्जिदें जो है वो मंदिरों को तोड़कर मुगल बादशाहों ने या उनसे पहले आए सुल्तानों ने बनवाई थी। यहाँ पे पहले से धर्म चला आ रहा था, उस पर ज़ाती करके अत्याचार करके, और अगर मस्जिदें बनाई हैं तो वो उन्होंने गुनाह का काम किया है। मुझे तो लगता है कहना नहीं चाहिए कि किसी आदमी का दिमाग खराब हो गया हो, वो ऐसी बातें कह सकता है,
आज तो बनाने की जरूरत है, आज बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो मंदिर है वो मंदिर रहे, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहे, और हर धर्म का आदर हो, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो और इंसानियत का बोलबाला हो। उस हैसियत को तब्दील करने की बात करना एक जुर्म है, तो वसीम रिजवी जुर्म कर रहे हैं उस एक्ट के तहत। वो खत मेरे पास तो है नहीं, अगर आएगा तो मैं उसको भेज दूंगा थाने में कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान में दोनों में आपस में दंगा कराने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। राम मंदिर नहीं हमको बनाने दे रहे हैं तो फिर मैं 6,500 स्थान ऐसे हैं देश भर में जहाँ मस्जिदें मंदिर तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कराया गया है, उन सारे स्थानों पर हम आंदोलन चालू करेंगे। रिजवी की चिट्ठी ने विश्व हिंदू परिषद के उस नारे की याद ताजा कर दी जिसमें वो अयोध्या को झांकी और काशी मथुरा को बाकी बताते रहे हैं। मुमकिन है कि मुगल बादशाहों समेत मुस्लिम शासकों ने मंदिरों की जगह मस्जिदें बनवाई हो, लेकिन सवाल ये है कि हम अतीत से सबक लेंगे या फिर विवादों के पन्ने पलटते रहेंगे। दिल्ली में इस्लामी मंच से पीएम मोदी का पैगाम तो यही है कि हम मजहब से मानवतावाद ढूंढें, उस तहजीब और विरासत पर गर्व करें जिसके खुशबू सिर्फ इसी मिट्टी से निकली है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। आइए आपको मिलवा देते हैं हमारे मेहमानों से जो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ महमूद पराचा मौजूद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर मीडिया में अपनी राय रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया इसके अलावा मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार में खेल सलाहकार रह चुके हैं, आईआईएम कोलकाता से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है अनुराग भदौरिया ने। हमारे साथ इसके अलावा सैयद अतर हुसैन देहलवी मौजूद हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाज रसूल के अध्यक्ष हैं, टीवी डिबेट में मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर राय रखते हैं। हमारे साथ इसके अलावा विजय शंकर तिवारी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और धार्मिक मुद्दों पर विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखते रहे, हमारे साथ चर्चा में शामिल होते रहे। हमारे साथ इसके अलावा यासिर जुलानी भी जुड़ेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आइए उनके साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं। पहला राउंड सफाई एट द रेट ऑफ 60 सेकेंड्स। सबसे पहले अतर हुसैन देहलवी साहब, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, कौन रोक रहा है रास्ता? अगर बाहर कोई रास्ता निकल सकता है, श्री श्री रविशंकर कोई बार बार पहल कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो रास्ता कौन रोक रहा है राम मंदिर निर्माण का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ और साथ ही मैं कहता हूँ कि देखिए, संवाद के जरिए इस विवाद के हल की लगातार कोशिश हुई। कांची कामा कोटि शंकराचार्य जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो एक जमाने से इसमें लगातार कोशिशें करते थे। श्री श्री रविशंकर जी भी उन्हीं के कहने से इस मामले में आए थे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक आप पक्षधरों को, जो पेटिशनर, उनको साथ नहीं लाएंगे, तब तक आप लंदन और जुम्मन के साथ बातचीत करें, ऐसे किसी मसले का हल नहीं है। बातचीत हल्के इस मसले का हल बातचीत के जरिए हो या कोर्ट के जरिए, या जैसे वीएचपी कहती है कि संसद की किसी भी सूरत में हो, लेकिन चूंकि अब खुद सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो बार बार इस बात को कह रही है कि चूंकि कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये मामला निलंबित है, इसलिए अब जो भी फैसला आएगा वो सबको मानना चाहिए। पर इस बीच ऐसे बयान तो श्री श्री रविशंकर जी कह रहे हैं, कोशिश अच्छी है, लेकिन अगर जब तक वो पेटिशनर्स को जमा नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं कि ये कोशिश अपने आप में एक नाकाम होगी और इससे कोई हल या सवाब की कोई चीज सामने नहीं आएगी। ठीक है, मतलब जो अहले मामला है, जो इस मामले से सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने से हल निकलेगा, आप इधर उधर बाकी लोगों से मिलते रहेंगे, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये भी है, साथ में अपनी राय के साथ इस सवाल का जवाब भी अगर आप जोड़ दें तो बेहतर होगा। फिर श्री श्री रविशंकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो जिन लोगों से मिल रहे हैं वो फैसला ही नहीं ले सकते या उनके फैसले का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है, तो फिर वो कोशिश क्यों कर रहे हैं और उसका क्या उद्देश्य है? ऐसा जो सब जब यहां बैठे उन्हें बताना तो पड़ेगा कि इस मुद्दे में अगर मुस्लिम पक्ष की क्लेम है तो शियाओं का क्लेम है या सुन्नियों का क्लेम है, क्योंकि 1936 का मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो एक्ट है यूपी का, उसके तहत या तो ये शिया का होगा या सुन्नी की होगी, तो ये तो बताना पड़ेगा।
तो अब श्री श्री क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने शियाओं से बात करी, क्योंकि 1981 का जो जजमेंट है गुलाम अब्बास का, उसमें स्पष्टता से ये कहा गया है कि ये सुन्नियों की नहीं है, और जो 1944 के नोटिफिकेशन के तहत सुन्नियों ने इस पे अपना कब्जा जमाया था वो गैर कानूनी है जी। तो जब सुन्नियों की है नहीं और शियाओं की है, और शियाओं का वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन सुधांशु मित्तल जी मैं आपको वैसे बीच में नहीं रोकती, आपके आपका जो समय वो आगे भी पूरा हो जाएगा सर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी और पक्षकार को फिलहाल इस पूरे मामले में शामिल करने से इनकार कर दिया है। गए थे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इसमें और कोई नया पक्षकार ऐड नहीं होगा, जो है पक्षकार वही रहेंगे। तो फिलहाल हमारे सामने जो मैटर है उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी और नए पक्षकार को शामिल करने से इनकार कर दिया। तो यही है पक्षकार जो है वो फिलहाल सुन्नी ही है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ही है। शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से वजीम रिजवी ऐसा कहने भर से सिर्फ पक्षकार नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी वो तो सलमान नदवी से भी मिल रहे हैं, वो तो थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, वहां से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरा सवाल सिर्फ ये कि जो पक्षकार हैं इसमें उनसे सीधे बात नहीं हो रही है अगर श्री श्री रविशंकर की, तो इधर उधर के जो लोग हैं उनसे बात कर वो जो माहौल बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उससे क्या हासिल होगा, ये मेरा सवाल था सर। अगर आप संक्षेप में वापस अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो बाकी लोगों के पास फिर मैं जाऊंगी, आपका समय कि मैंने 10 सेकंड आपके ले लिए। जी सुमेरा जी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी एप्लीकेशन है इंटरवीनिंग की उसको रिजेक्ट नहीं करा है, एक ओरल ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करा गया है लेकिन कोई रिजेक्ट नहीं हुई है। तो इसलिए ये कहना कि इनको पक्षकार नहीं बनाया गलत है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि नहीं, इट इज नॉट बीन रिजेक्टेड, अभी इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी अभी भी उसके अंदर पिटिशनर है, मतलब अभी उसमें पार्टी है, इसमें अभी भी शिया वक्फ बोर्ड पार्टी है, अभी कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी मैं बीच में बोलना नहीं चाहता, दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार हाई कोर्ट ने जब 2010 में सुधांशु जी, लेकिन आपके 60 सेकंड सर हो गए, वापस आएंगे हम चर्चा को, जब खोलेंगे ओपन करेंगे डिबेट को तो और इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ महमूद पराचा मौजूद, महमूद पराचा, सुधांशु मित्तल तो कह रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, मतलब जिनसे वो बात कर रहे हैं वो भी पक्ष हैं, तो जिन लोगों से वो बात करें अगर वही रास्ता निकालने के लिए राजी हो जाएं और बाकी तमाम लोग, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अगर रिजिड स्टांस लेकर खड़ा हुआ है कि नहीं हम नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, बाकी लोग बात करने के लिए तैयार है, तो ठीक है जिनसे वो बात करें अगर उससे कोई रास्ता निकलता है तो निकलने दीजिए, फिर क्या आपत्ति होनी चाहिए, बताइए। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं। सुमेरा साहिबा, इसमें बहुत ध्यान से दो व्यक्तियों की दोनों बातों को मिला के देखना पड़ेगा, एक श्री श्री की और एक वसीम रिजवी साहब की, दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। श्री श्री अगर ये कहते हैं कि फैसले के बहुत नज़दीक हैं तो वो एक ही फैसला हो सकता है कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी और जो बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट है उसको जो हिंदू पक्ष है या दूसरे पक्ष हैं उसको कंसीड करें, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण वहां पर हो, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है एक ही तरीके से, ये बात है। क्योंकि उसके बाद हम वसीम रिजवी साहब को देखें, वो उनके ऊपर वक्फ चोरी करने की दर्जनों एफआईआर हैं, 9 से ज्यादा एफआईआर हैं, तो उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, उनकी और आजम खान साहब के ऊपर बहुत सारी एफआईआर हैं। तो ये जो योगी सरकार के द्वारा आर्म ट्विस्ट करके उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं, मगर जो कानूनी पोजिशन है वक्फ लैंड की, मस्जिद की, इसमें ना वक्फ बोर्ड ना कोई इंडिविजुअल, ये अल्लाह की जमीन होती है, अल्लाह ही इसमें फैसला कर सकते हैं, या तो इसमें सिर्फ कोर्ट से ही फैसला होना है। और किसी तो फिर कोर्ट कैसे फैसला कर देगा वक्फ के मामले में, कोर्ट भी तो फैसला करेगा ना टाइटल सूट का, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई और सूरत हो ही नहीं सकती विजय शंकर तिवारी जी, तो फिर ये तमाम कोशिशें आप लोग तो पहले से वीएचपी तो ये कहती रही है, आपका भी आशीर्वाद नहीं मिला है श्री श्री रविशंकर को, यानी अगर मुस्लिम समाज तैयार नहीं है बात करने के लिए तो आप लोग भी तो उनसे बात नहीं कर रहे। नहीं देखो मेरा ये इस पर इतनी हम चर्चा कर चुके हैं, इतनी चर्चा कर चुके हैं कि हमसे ज्यादा पब्लिक को पता है, जो आपका श्रोता उसको सब कुछ पता है जो हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ जो हम कहने वाले हैं, लेकिन चूंकि सिद्धांत नहीं बदलेंगे, शब्द नहीं बदलेंगे, मुद्दा नहीं बदलेगा, वहीं हम खड़े हैं, वहीं चलते रहेंगे। सब छोटी बात है कि श्री श्री जी ने एक प्रयास किया, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि
ये जो श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का की बात है, उसका विषय है, इसके लिए देश में बहुत सारे भक्त जो वहाँ भव्य मंदिर चाहते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सारे प्रयासों का सुमेरा हमने स्वागत किया है, लेकिन हमारी हमेशा एक बात रही है कि श्री राम जन्मभूमि पर बनाएगा कौन, तो न्यास बनाएगा, श्री राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा, एक बात। और दूसरी, जो मस्जिद है, मस्जिद अयोध्या के परिसीमा पे नहीं बनेगी, मस्जिद बनेगी अयोध्या के परिसीमा के बाहर, ये बात। और बाबरी मस्जिद की बात है, बाबरी नाम की मस्जिद देश में कहीं भी नहीं बनेगी। ये तीन चीजें हमारी इसके साथ है, आज भी हम वही खड़े हैं कल जहां से चले थे। और तीसरी बात, हम जो और चौथी बात कह देते हैं, परिसीमा के बाहर का जो जो शर्त है वो क्यों है, वो क्यों है? 16 मस्जिद अयोध्या में है, यानी जहाँ श्री हनुमान गढ़ी जी के बराबर, यानी 300 मीटर के पास में जो मस्जिद है, उसका क्या मस्जिदों का क्या होगा? देखो अभी अभी ये ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे हैं, ये विषय ला रहे हैं, उनका क्या होगा? जो कोई मस्जिद जो 16 मस्जिद का क्या होगा? ये तो हल्का नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि उन पर भी विवाद शुरू कर दिया जाए, ये चाहते हैं श्री रविशंकर, ये पहल कर रहे हैं विनय शंकर तिवारी जी। देखिए, अगर श्री श्री कोई पहल कर रहे हैं, उस पहल में अगर आपका जो स्टांस है आप उससे बिल्कुल नहीं हिलेंगे, मुस्लिम पक्ष का जो स्टांस है वो उससे बिल्कुल नहीं हिलेगा, तो कोई सुलह हो ही नहीं सकती। आपको सुमेरा जी क्या लगता है कि ये हिल जाएगी, वहाँ मंदिर नहीं बनेगा? नहीं, ये हिल जाएगी वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दीजिए, क्या हिल जाए? अगर आप ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन आप ये कहें कि जो श्री श्री सुझाव दे रहे हैं कि मस्जिद कहीं पास में बनेगी या सरयू के किनारे बन जाएगी, आप तो ये कह रहे हैं परिसीमा के सुमेरा जी अयोध्या के बाहर बनेगी मस्जिद, को जो बनेगी अयोध्या के बाहर बनेगी। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड है, वही आपका भी स्टैंड है, जो कि हम कोई समझौता नहीं चाहते, हम बार बार हमारे शब्द डिकोडेड नहीं है, बहुत समझौता नहीं चाहते। की बात में अंतर हो गया, वीएसपी के पिछले प्रवक्ता ने इसी शो में विनोद बंसल जी ने कहा था कि हमने कहा बाबरी के नाम से तो परिसीमा में नहीं बनेगी। जब इनको मैंने पूछा कि 16 मस्जिदों को क्या होगा, तो उन्होंने कहा उस पर आपत्ति नहीं है, बाबरी के नाम पर हमको आपत्ति। अनुराग भदौरिया जी, आपके 60 सेकंड से शुरू होते हैं अब। अनुराग भदौरिया जी, फिर ये क्या हो रहा है? श्री श्री रविशंकर जिनसे मिल रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है वो तो पक्षकार ही नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। वसीम रिजवी को जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है वही कहता है, जो कह रहे हैं हम इससे इत्तफाक नहीं रखते। विजय शंकर तिवारी यानी वीएचपी जो मुख्य पार्टी है इस पूरे मामले में राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी लाइन जो है उससे बिल्कुल हिलेंगे नहीं, तो फिर ये क्या हो रहा है? देखिए, हमारा देश कितना खूबसूरत था 4 साल पहले, तो यहाँ गंगा यमुना की तहजीब में मिलके सारे लोग यहाँ रहते हैं। अब ये चूंकि 4 साल तक इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, जो उन्होंने वादे किए थे सरकार ने कि हम रोजगार देंगे आपको, डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा कुछ किया नहीं है, तो अब 1 साल बचा है दोबारा से एक मुद्दे को जिंदा रखना है। वो जिंदा रखने के लिए कुछ उनको सुसरिया छोड़नी होती है, तो एक सुसरिया छोड़ी हुई है, उन्हें पता है दोनों तैयार नहीं होंगे, इसी तरह डिबेटें होती रहेंगी टीवी में, 2-4 महीने और कटेंगे, हमारा माहौल बनेगा, फिर इलेक्शन आएगा, फिर राम के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। मैं कहता हूँ राम के नाम पे इलेक्शन क्यों लड़ते हो, हिम्मत है तो रोजगार के नाम पे लड़ो ना, डेवलपमेंट के नाम पे लड़ो ना, यूथ के नाम पे लड़ो ना, जिसके लिए आपने प्रॉमिस करके आए थे, हिम्मत है तो लड़ो रोजगार के नाम पे। असली मुद्दा तो रोजगार का, उसका ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब राम मंदिर मस्जिद लेके चले आते हो। अरे भैया, हम सब लोग जो हिंदू है हिंदू को मानता है, जो मुस्लिम है मुस्लिम को मानता है, महात्मा गांधी का देश है, यहाँ सब लोग भाईचारे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अभी मैं लिफ्ट में आ रहा था, आपके चैनल पे ही लिफ्ट में आ रहा था, तो एक लड़का रंग लगाए बैठा था लिफ्ट में, मैंने उससे पूछा क्या नाम है, बोला इमरान, यहाँ होली खेल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है ये कि क्या 2019 के पहले नींव पड़ जाएगी और उससे क्या फिर फायदा भी मिलेगा चुनाव में, क्योंकि ये बात अनुराग भदौरिया ने उठाई, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारा अगला राउंड शुरू होता है अब, सबसे बड़ा सवाल जिसमें हम इस डिबेट को ओपन करेंगे। सुधांशु मित्तल जी, क्या 2019 के पहले नींव पड़ जाएगी और क्या एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में फिर छाएगा, सुर्खियों में आएगा? क्या इसी वजह से इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है, तब जबकि जो जिनसे बात हो रही है वो तो पक्षकार ही नहीं है, और चाहे वो हिंदू पक्ष हो या वो मुस्लिम पक्ष हो, वो अपने जगह से हिलने के लिए तैयार भी नहीं है, तो फिर कोशिश क्या सिर्फ चुनाव के लिए है, 2019 के लिए? सुमेरा जी, बड़ी विडंबना है कि बार बार ये प्रश्न होता है कि ये क्या चुनावी मुद्दा बनेगा। अच्छा, 2017 में यूपी के चुनाव में कभी चुनावी मुद्दा था जरा बता दीजिए, 2014 के लोकसभा के चुनाव में कभी चुनावी मुद्दा था ये बता दीजिए, उससे पहले जो विधानसभा का 2012 में हुआ था उसमें कभी ये चुनावी मुद्दा था ये बता दीजिए, 2009 के लोकसभा के चुनाव में ये कहाँ चुनावी मुद्दा था बता दीजिए। ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट है ना,
ये इसका खौफ दिखा के मुसलमान की वोट को लूटना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। आज एक सेकंड मैं खत्म कर लूं, बस एक मिनट। इस समय प्रश्न सीधा सा है कि कोई जना सुधांशु जी देखिए, इस वजह से इसकी चर्चा है क्योंकि यूपी में जिस तरह का बहुमत आपको मिला है, केंद्र सरकार में जिस तरह का बहुमत आपके पास है, उसके बाद लोग आपसे पूछेंगे कि आपने यही कहा था हमें यूपी में भी पूर्ण बहुमत मिले, हमें केंद्र में भी पूर्ण बहुमत मिले, इतना छप्पर फाड़ के लोगों ने आपको सीटें दे दी, वोट दे दिया, उसके बाद भी राम मंदिर के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे, क्योंकि अगर ये केंद्र में भी और यूपी में भी आपकी सरकार है तो फिर आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या इस वजह से 2019 के पहले कुछ करते हुए दिखना चाहते हैं? क्या उसका फायदा होगा? क्या इस वजह से फिर ये पूरी मुहिम चल रही है? ये इसलिए मेरा सवाल है सर। हमारे यहाँ स्पष्टता से लिखा हुआ था कि इसका समाधान या तो लेजिस्लेशन के थ्रू या डायलॉग के थ्रू या फिर जो है कोर्ट के जजमेंट के थ्रू होगा। ये स्पष्टता से लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें कोई कटघरे में नहीं खड़ा करने वाला। अच्छा। हमें हमारा चेहरा दिखा के इनको डराने की कोशिश हो रही है। अभी एक आखिरी चीज कर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करी है, एक तरफ ये कहते हैं टाइटल सूट है, अगर ये टाइटल सूट है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लोकस्टैंड है क्या? ये और मुझे बता दीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो तो कभी कहीं नहीं रहे हमारा टाइटल है, तो वो कहां से बीच में आ जाते हैं? और वो कौन होते हैं इस नेगोशिएशन में बैठने वाले? अगर टाइटल सूट है तो टाइटल सूट में वही तो बैठेगा जो टाइटल का क्लेमेंट होगा। क्लेमेंट कौन है? क्लेमेंट है या तो शिया वक्फ बोर्ड है या सुन्नी वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का टाइटल पे क्लेम नहीं है, यह गुलाम अब्बास में ऑलरेडी 81 में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, तो बैठेगा कौन इसमें? ये तो तय करिए ना, दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। हाँ, या तो आप आस्था का प्रश्न बना रहे हैं और दूसरे तरफ कहते हैं जी जे टाइटल इसमें। देखिए सुधांशु, बहुत समझता अपनी बात को अच्छे अंदाज से रखते हैं, दो चीजों को समझना है। पहली चीज तो कि वो शिया और सुन्नी का मुद्दा ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या खुद दिग्गज नेता हैं शियों के कल्बे सादिक साहब, उन्होंने आज पीएम के साथ भी थे, कहा कि वसीम रिजवी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और जो आगे का वो मैं कहना नहीं चाहता। दूसरी चीज मैं सुधांशु मित्तल जी को एक बात बताता हूँ, देखिए असल चीज क्या है कि ये मुद्दा सियासियत के लिए इस्तेमाल लगातार हो रहा है। हाँ। मुसलमानों की तरफ से भी हुआ, अलग अलग पार्टीज ने भी करा। मैं आपको छोटी सी एक बात, वीएचपी के मेरे अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। मेरे मित्र बीजेपी वीएचपी के यहाँ बैठे हैं, ये हर साल शौर्य, क्या ये हल के लिए है? हल कोई नहीं चाहता मैं तो आपको आगे की बात कर रहा हूँ, मैं हल कोई नहीं चाहता। हमारे वीएचपी के मित्र यहाँ बैठे हैं, सुधांशु जी सुन लीजिए ना, सुधांशु जी सुन लीजिए, मेरा कहना वीएचपी के मित्र हर साल अंसारी का तो है ना सर, वो भी नहीं बात कर रहे हैं, हाशिम अंसारी भी वो भी नहीं बात कर रहे हैं ना श्री श्री से। देखिए आप क्या कहा, देखिए पहली चीज तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस खेर ने कहा आप अगर बातचीत करना चाहते हैं हम इसमें जो है बहसियत मुजाकरातकार बैठने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे को आस्था नहीं बल्कि जमीन के मुद्दे पे देखेंगे। मैं वीएचपी और बीएचपी पे दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ अदब के साथ। वीएचपी हर साल शौर्य दिवस मनाती है, आपको मनाने का पूरा अधिकार है, आम कार सेवक के साथ भी आप इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी शौर्य दिवस के नाम पर जिसको आप कहते हैं ढांचा था धरा दिया गया गिरा दिया गया, जब उसकी एक टाइट सूट को निकाल के उसकी एक पैरवी को निकाल के आप अपने दिग्गज नेता के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तब राम भक्ति कहां चली जाती है? क्या कौन से? अरे आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले यानी जिस तरीके से आडवाणी जी के खिलाफ मामले में मुकदमा निकाला गया वो क्या इस्तेमाल था? ठीक है, ये तो बीजेपी को तय करने दीजिए ना, आप अपने बारे में बात। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि आप लेकिन अनुराग भदौरिया मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, बता रहा हूँ आपको सच बात कह रहा हूँ, बताइए मोमेंट को आडवाणी जी से ज्यादा कुछ चलाने वाला व्यक्ति था भारत में, सोमनाथ से लेकर उनसे बड़ा कोई नहीं था, उनके साथ बीएचपी कहती है उनसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। सर मुझे एक मिनट, सुधांशु मित्तल ने लेकर अनुराग भदौरिया ने कहा कि हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना क्योंकि हमने लगातार अपने हर मैनिफेस्टो में लिखा है कि ये तो या तो डायलॉग से यानी या तो चर्चा से इसका हल निकलेगा या अदालत से निकलेगा या लेजिस्लेशन से निकलेगा यानी संसद से इसका हल निकलेगा। तो हमने तो ये तीनों विकल्प लोगों के सामने रखे हुए हैं, तीनों विकल्प खुले हुए हैं, तो हमसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, हम इससे पहले कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, तो फिर आप जो राजनीति का आरोप लगा रहे हैं उसमें फिर कहां दम रह जाता है? सुधांशु मित्तल तो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया लोगों से, तीनों विकल्प उन्होंने खुले रखे हैं। देखिए सुधांशु जी भले व्यक्ति हैं, उनकी आत्मा
साफ है, लेकिन क्या करें, जिस पार्टी में है उस पार्टी के लिए उनको बचाव के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। वो तो जानते ही हैं कि जिस तरह का नाटक ये कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, एक मूर्ति तक तो इनसे लगाई नहीं जा रही, राम की मूर्ति। इतने दिन से इतने हुंकार भर रहे हैं कि वहाँ सरजू किनारे एक मूर्ति लगा दे राम की, वो भी इनसे नहीं लगती है। हम तो दो दो मूर्ति लगा के बैठ गए। इनको करना ही नहीं है कुछ, इनको सिर्फ ये बातें बनानी, माहौल क्रिएट करना, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ता रहे, धर्म का डिविजन होता रहे, हमें सरकार से लड़ने की बात कौन कर रहा है? अगर श्री श्री बात कर रहे हैं तो समझौते की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात कहाँ है? अगर इनको राष्ट्र की चिंता हो, नहीं, लेकिन अनुराग भदौरिया श्री श्री की कोशिश कर रहे हैं, वो तो समझौते की बात है, वो लड़ाई की बात कहाँ है? अरे वो समझौता, इनको कुछ नहीं करना, इनको मुद्दा जिंदा रखना है, क्योंकि इनकी रोटी उसी से चलती है। विजय शंकर तिवारी, इस बात पे तो आप इत्तेफाक करेंगे ना फिर अनुराग भदौरिया की? अब आप हल नहीं करना है, अब आपको पता चल गया सियासत कौन कर रहा है, आपको पता चल गया सियासत कौन कर रहा है? एक मिनट भदौरिया, लेकिन मुझे बताइए कि श्री श्री में क्या कर रहे हैं, तो इनको चुप करिए, अनुराग भदौरिया सुन लेते हैं, जी बोलिए। देखो, अब आपको पता चल गया सियासत कौन कर रहा है। सियासत इन लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो स्थान रखता है जैसे इनके लिए मक्का स्थान रखता है। हम जो जिसका इतना पवित्र स्थान है और उसके लिए इतने भदौरिया साहब, रुक जाइए, अब आप, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए, हमारे लिए उतना ही पवित्र स्थान है, और इसके लिए, इसके लिए भदौरिया साहब आप सियासत कर सकते हैं, आपको, आपको मुस्लिम लोग चाहिए इसलिए उनके पक्ष में खड़े होने की आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के विषय में किसी प्रकार की कोई भी सियासत हम चलने नहीं देंगे, किसी प्रकार की सियासत नहीं चलने देंगे। विजय शंकर तिवारी जी, ये बताइए विजय शंकर तिवारी जी, फिर तो समझौता कुछ हो ही नहीं सकता ना, कोई बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला। अरे बातचीत ये सब जो है, ये सुमेरा वही बात कह रहा हूँ मैं कि कितनी बार वार्ता से या लेजिस्लेशन से यानी संसद से ही हल निकले के बाद सुमेरा कितनी वार्ता के दौर चले, वार्ता के दौर सफल क्यों नहीं हुए, क्या क्या हल निकल सकता है? ये जो बातचीत की कोशिश हो रही है इससे सपोर्ट से बनेगा या कोर्ट से बनेगा, या फिर तीसरा रास्ता जो वीएसपी कहती है ये सारे रास्ते बेकार हैं, सिर्फ संसद से बनेगा राम मंदिर? नहीं देखिए, कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ आस्था का सवाल है और 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है अयोध्या में, भगवान राम में, और वहाँ पे भव्य मंदिर बनाने के लिए। कोर्ट से नहीं, जब आस्था की बात आ जाती है ना मैडम, तो उस कोर्ट का इंतजार नहीं करना। नहीं, कोर्ट का इंतजार करिए ना, मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ कि अगर कोर्ट से फैसला आएगा तो दोनों पक्षों को। अरे भदौरिया जी चुप हो जाइए, आपके टाइम नहीं, बात कर रहा हूँ, वो चुप ही नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों के लिए वो अच्छा साबित नहीं होगा। जिसके फेवर में भी फैसला आ जाएगा ना, हिंदुस्तान की जो 1000 साल की सांझी संस्कृति और सांझी विरासत है, उस पे असर करेगा। मैं अभी भी कहता हूँ लोगों से, यासर जिलानी, मुस्लिम पक्ष तो लगातार कहता रहा कि अगर हम हार जाएंगे हमें वो एक्सेप्टेबल है। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम पक्षकार जब भी इस तरह की कोई बात आती है, देखिए मुसलमानों के बीच में आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हालत देख लीजिए, एक नई रोशनी लेके मौलाना सलमान रदवी साहब एक नई चीज दिखा रहे थे हिंदुस्तान को, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को प्रॉब्लम हो गई। ये इस्लाम का तरीका है कि आपने सवाल किया, आपने उनको बाहर निकाल दिया, ये कहां का मसला है? आप इत्तेहाद नहीं चाहते, आप हिंदुस्तान में अखलाक नहीं चाहते, क्या भाईचारा जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो खत्म हो गई बिल्कुल? तो कहीं ना कहीं हमें बैठना होगा, हमें बैठना होगा और इस मसले को देखिए, अयोध्या तहजीब यहाँ बनी रहे जिसके जिसको, अरे तो तहजीब आपने बिगाड़ दी, आपने जब भी आपकी सरकार बनी आपने तहजीब और तमद्दन को खत्म कर दिया, आपने आपने अयोध्या को, अयोध्या के जाके आप हिंदू मुसलमानों की बात करें, आप अंसारी साहब से मिलिए जाके, महंत साहब से जाके मिलिए, वो किस तरह से रहते, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो राजनीति रही है हमेशा से तोड़ने की राजनीति रही है, मैं आपको बता दूं किसने इत्तेहाद खत्म किया, समाज का इतिहास किसने खत्म किया, इतिहास खत्म करने वाले लोग जो गंगा जमुनी तहजीब को किसने खत्म किया, सुन लीजिए, जो अपना इजलास 5 स्टार होटल में हैदराबाद में करते हैं वो इतिहास को तोड़ते हैं, अच्छा। जो नेतागिरी करते हैं मुस्लिम पर्सनल वोट के नाम पे, ओवैसी के यहाँ बैठ के वहाँ पे राजनीति तय होती है, वो इखलाक को तोड़ते हैं, मोहब्बत को खत्म करते हैं। मैं भदौरिया जी और